हेलो फ्रेंड्स, आज नमिका किचन में मैं आपके साथ फ्राइड गार्लिक चिकन की रेसिपी शेयर करूंगी, जो बहुत ही क्विक रेसिपी है। एक बार आप बनाकर देखिए, फिर आपको पता चलेगा ये कितना टेस्टी है, कितना क्विकली ये बन जाता है और कितने कम मसाले में ही ये बेसिक मसालों में बन जाता है। तो इसके लिए मैंने 1/2 kg चिकन लिया था और ज़्यादातर बोनलेस ही है, इसमें 2 हड्डी है। तो सबसे पहले मैंने 2 teaspoon इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट दिया, सॉल्ट 1 teaspoon दिया, विनेगर 1 teaspoon दिया। विनेगर नहीं है तो आप लेमन भी दे सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने 1 teaspoon टर्मरिक पाउडर भी दिया था। अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स करके आधे घंटे के लिए ढक के रख दूँगी। मैरिनेशन करने से चिकन बहुत ही टेंडर और सॉफ्ट हो जाता है, पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और अच्छे से इसका जो मसाला है इसके अंदर पूरा घुस जाता है। तो दूसरी तरफ मैं अभी क्या करूँगी, आधे घंटे के बाद मैंने एक कढ़ाई ले लिया, उसमें मैं 4 tablespoon रिफाइंड ऑयल डालूँगी और स्लाइस किए हुए 2 onion मैं इसमें डाल दूँगी। अनियन को हमको अच्छे से लाल करके फ्राई करना है। तो जब तक हमारे अनियन अच्छे से फ्राई होते हैं, हम गैस को कम करके यहाँ दूसरी तरफ हम अपने मसाले, जो ड्राई मसाले हैं, उनको रेडी कर लेते हैं। 2 teaspoon मैंने कोरिएंडर पाउडर डाला, 1 teaspoon जीरा पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर मैंने 2 teaspoon डाला, ब्लैक पेपर पाउडर डाला था, उसका वीडियो मैंने अपलोड यहाँ पर स्किप हो गया मुझसे, और साथ ही साथ मैंने गरम मसाला भी डाला था, 1/2 teaspoon डाला था, और चॉप किए हुए मैंने गार्लिक डाला था। अब हमारे प्याज अच्छे से लाल हो गए हैं तो इसमें हम अभी मैरिनेटेड चिकन को ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको हम इसको फ्राई करेंगे। 4 से 5 मिनट तक अच्छे से इसको हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद हम इसको ढक के पकाएंगे और ढक के भी हम 5 से 6 मिनट तक इसको पकाएंगे। अच्छे से हिला लीजिए चिकन को। अब जो हमारे जो ड्राई मसाला था हमारा, इसमें हम डाल देंगे क्योंकि चिकन अच्छे से पक चुका है। 10 और 15 मिनट में हमारा चिकन पक जाता है क्योंकि ये मैरिनेटेड चिकन है। सूखे मसाले जले ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया। अब मैं अच्छे से इसको हिलाकर मिक्स कर दूंगी ताकि चिकन में पूरा मसाला अच्छे से लग जाए। और इसको आप पकाइए और मसाले को अच्छे से पका लीजिए। और साथ ही साथ मैंने इसमें थोड़े से कड़ी पत्ता डाल दिया, इससे खुशबू और टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छा लगता है। अभी और 4-5 मिनट के लिए आप फ्राई कीजिए और आपका चिकन बिल्कुल बनके रेडी हो जाएगा। और नमक मैंने पहले शुरुआत में डाला था, अगर आपको कम लगे आप टेस्ट करके थोड़ा सा डाल दीजिए। मुझे कम लगा इसलिए मैंने थोड़ा सा डाल दिया। अभी आप चिकन एक पीस खाकर देखिए, ये बिल्कुल बन चुका है। अब ये रेडी है सर्व करने के लिए, तुरंत और झटपट बनने वाली रेसिपी है। इसका कुकिंग टाइम मुझे 20 मिनट्स लगा और देखिए ये अब बिल्कुल रेडी है गार्लिक फ्राइड चिकन। मैंने इसको लंच के लिए बनाया था और प्लेन दाल के साथ इसको मैंने सर्व किया था। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।